गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब? वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी मैं जा रहा हूँ ऑफिस के लिए। आज फाइनली ऑफिस के लिए निकलने वाला हूँ। आज कोई लॉल नहीं होने देने वाला हूँ। साइली की तबीयत थोड़ी सी आज डाउन है, इसके लिए साइली थोड़ा सा रेस्ट करने वाली है। अभी मैं अभी निकलता हूँ ऑफिस के लिए, फिर देखते आगे का दिन कैसे चलता है। चलो बाय बाय। तेरे को कैसे मालूम में आया? हाँ मम्मी मेरी एक्टिंग कर रही है। गाइस मैं अभी घर आ गया हूँ वापस। ऑफिस में आज बहुत सारा काम हो गया। अभी ऑफिस में ना मेरी जो जगह थी जहाँ पे मैं और मेरी टीम बैठती थी, अभी वो जगह हम चेंज कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पे दूसरे टीम्स को अलॉट करने वाले है और हम लोग एक नई अच्छी जगह पे बिठा रहे हैं। तो वो जगह में ही बहुत सारा आज टाइम निकल गया, काम भी कर लिया और अभी घर पे आया हूँ। बहुत सारी भूख लगी हुई है मेरे को अभी, क्योंकि मैं इंटरमीडिएट फास्टिंग कर रहा हूँ। तो मैंने कल रात के बाद से कुछ खाया नहीं। फिर मॉर्निंग में कॉफी पी थी, ब्लैक कॉफी। अभी थोड़ा सा हेल्थ की तरफ ध्यान देना है तो उस वजह से मैंने थोड़ा सा डाइट वाइट चालू कर दिया। ये डाइट नहीं है, बेसिकली ये लाइफ स्टाइल होता है इंटरमीडिएट फास्टिंग। आप थोड़ी देर के लिए खाते हो और थोड़ी देर के लिए फास्ट कर। तो अभी मैं आ रहा था ना, उस वक्त साइली को पता नहीं कैसे मैं जब मेट्रो से आया उसको पता चल गया कि वो मेट्रो में मैं आया हूँ। तो उसने मेरे को कॉल किया तो बराबर से पता चल गया कि मैं कहाँ पे आया हूँ और मैं पहुँच गया स्टेशन। और जब भी मैं बिल्डिंग यहाँ पे आया तब तक तो वो विंडो पे खड़ी थी, मतलब प्यार आई थिंक। गाइज मेरा खाना हो गया, मैं यहाँ पे आके अभी मेरा काम करने के लिए बैठा हूँ। मैं कुछ अभी एडिटिंग करने वाला हूँ, थोड़ा बहुत पर्सनल काम है मेरा। साइली यहाँ पे बुक रीड कर रही है। तो ये ना एक टैबलेट का स्टैंड है, एसेट अल्ट्रा टैब है सैमसंग का। मैं सोच रहा था उसके अंदर एक फीचर है, कंप्यूटर की स्क्रीन जो है वो उसके साथ में डिस्प्ले मिरर करके, या तो फिर उसको हम लोग एक डुप्लीकेट यूज कर सकते हैं या तो फिर हम लोग उसको एज अ एक्सटेंडेड स्क्रीन भी यूज कर सकते हैं। तो ये है मेरा S8 अल्ट्रा टैब सैमसंग का। तो ये कीबोर्ड डिटैचेबल है, तो ऐसे ये निकल जाता है कीबोर्ड और मैं स्क्रीन को यहाँ पे रख देता हूँ। तो इससे बेस्ट पार्ट क्या है कि मैं मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन इसके ऊपर डिस्प्ले मिरर भी कर सकता हूँ या तो फिर मैं इस स्क्रीन को इस स्क्रीन पे एक्सटेंड भी कर सकता हूँ। ये टैब एसेट अल्ट्रा ना बहुत ही सही है। तो यहाँ पे ये सेकेंड स्क्रीन का ऑप्शन दिया हुआ है, तो जैसे ही हम लोग ये सेकेंड स्क्रीन का ऑप्शन दबाते हैं तो अभी मैं मेरे कंप्यूटर से मेरे टैब को ना कनेक्ट कर देता हूँ, जो कि बहुत ही इजी प्रोसेस है। मैंने अभी जस्ट विंडोज़ और K प्रेस किया जिसकी वजह से ये बॉक्स ओपन हुआ है कनेक्ट करने के लिए। और जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे गौरव टैब एसेट अल्ट्रा का ऑप्शन आया है। मैं जैसे ही वो ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पे स्क्रीन जो है डिस्प्ले करने लगेगी।
तो ये देखिए यहाँ पे मेरा माउस है अभी ऊपर, और मैं यहाँ राइट में अगर लेके जाता हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा माउस। तो इस तरह से कुछ तो ये यूज कर सकते हैं। और ये नीचे जो स्टैंड है जो मैंने आपको दिखाया, वो मेरे लिए बहुत काम का आता है, क्योंकि मैं इस तरह से इसको रख के जैसे भी एंगल में चाहिए उसको रख के इस तरह से सुला भी सकते हैं। ये मेरे लिए बहुत यूजफुल हो जाता है जब भी मैं मेरा काम करते रहता हूँ। तो अडोबी प्रीमियर जो है, मैं ऊपर ओपन रख के या तो फिर ऊपर उसकी स्क्रीन रख के नीचे उसके जो टूल्स आते हैं, जो पूरा टाइमलाइन आता है, वो यहाँ नीचे मैं डिस्प्ले कर देता हूँ, जिसकी वजह से काम जो है ना वो करने के लिए थोड़ा बहुत ईज हो जाता है, क्योंकि एक्स्ट्रा स्क्रीन स्पेस मिलती है हमको, तो उसकी वजह से बहुत आसानी हो जाती है काम करने के लिए। तो मैं अभी आपको दिखा रहा था ना, तो उस वक्त मैंने एक चीज़ नोटिस की कि मुझे माउस जो है ना वो राइट साइड में लेके जाना पड़ रहा था और फिर यहाँ पे माउस आ रहा था, लेकिन मेरी प्लेसमेंट जो है स्क्रीन की, आप देख सकते हो ऊपर मेन डिस्प्ले और नीचे मेरा सेकेंडरी डिस्प्ले है। तो मैं बस चेक कर रहा था तो यहाँ पे मुझे मिला है, जिससे कि ना मैं इसका सेटिंग्स चेंज कर सकता हूँ। तो अभी मैंने मेन डिस्प्ले जो कि मेरा ये डिस्प्ले है मैंने ऊपर रख दिया है, और जो सेकंड डिस्प्ले है मेरा उसको मैंने नीचे रख दिया। और मैं जैसे ही इसको अप्लाई कर देता हूँ तो ऊपर में ये जो मेरा माउस है, अगर मैं उसको सीधा नीचे लेके आता हूँ तो वो सेकेंड डिस्प्ले में आ जाता है। तो अभी ये मेरे लिए बहुत काम का होने वाला है। तो अभी तक मैं क्या करता था कि राइट साइड में जाता था दूसरा स्क्रीन यूज़ करने के लिए, अगर मेरी स्क्रीन की प्लेसमेंट ना यहाँ राइट में होती तो वो चीज़ मेरे लिए वर्कआउट करती, लेकिन अभी जैसे कि मेरा डिस्प्ले ऊपर है और ये डिस्प्ले नीचे है, तो ये वाला जो फंक्शन है वो मेरे लिए बहुत काम का हो जाएगा। तो गाइज मैं अभी जा रहा हूँ दवाई लाने के लिए, मैं और साइली गए थे डॉक्टर के पास में हमारा हाथ दिखाने के लिए। अभी मैंने ना इसका प्लास्टर जो मेटल प्लेट है वो निकाल दिया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इरिटेट होता है यार, फुल टाइम पहनने के लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। साइली अभी मेरे को डांट ही रही थी कि क्यों निकाल दिया करके, लेकिन बहुत ज़्यादा इरिटेट होता है यार फुल टाइम पहनने के लिए। फिर भी पहनना ही है। कोशिश करता हूँ मैं ज़्यादा से ज़्यादा पहन सकूँ। ये देखो ये भी दूसरे हाथ का भी नीचे गिरा हुआ है, मतलब एक हाथ में नहीं तो दोनों हाथ में पहन के रखना पड़ता है। तो अभी मैं जा रहा हूँ मेडिसिन लेने के लिए, मैंने एक बार एक्टिवा चलाने की कोशिश कर ली है तो थोड़ा बहुत जम रहा है मेरे को, तो मैं एक्टिवा पे ही जाऊँगा अभी और मेडिसिन लेके आता हूँ, क्योंकि साइली के भी मेडिसिन है उसमें, उसको भी जो लगा हुआ था उसके वजह से डॉक्टर ने कुछ कैल्शियम और रिकवरी वाले मेडिसिन दिए हैं, तो हम लोग मैं भी जाता हूँ और लेके आ जाता हूँ। तो मैं मेडिसिन लेके आया हूँ, ये मेडिसिन 2000 का मेडिसिन पड़ा गाइस मेरे को। भाई सेफ रहो, एक्सीडेंट मत करो, बहुत खर्चा होता है। और मैंने साइली के लिए जेम्स लाया, एक्चुअली उस दिन ना उसने मुझे बोला था, जब हम लोग डॉक्टर के पास जाके आए थे तभी उसने मुझे बोला था कि जेम्स चाहिए उसको, लेकिन मैं भूल गया था उसको लेने के लिए, तो आज मैं उसके लिए जेम्स लेके आया। आई होप अभी वो खुश हो जाए। तो मैं अभी व्लॉग एडिट करने के लिए बैठ रहा हूँ, मुझे आज थोड़ा सा ना बोर सा हो रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ आज मूवी देखने का। मैंने जैसे कि कल आपको बताया था कि मुझे शज़ाम देखना है, बहुत मन कर रहा है, तो अगर ये व्लॉग एडिटिंग हो गया ना टाइम पे तो मैं आज शज़ाम भी देख लूँ। तो आज के लिए व्लॉग यही एंड करते हैं, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाबू तेरे बुक पे कुछ रखा है क्या वहां पे? तुझे चाहिए था ना, सो सॉरी मैं उस दिन भूल गया था। हैप्पी।